सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। के मैं नमीर हूं, इसका नाम इतना है। होप गाइस बहुत बढ़िया पड़ी है। तो आज हम लीडर शो लेके आए बीवी की वाइंस लव का हक्कर, लव चक्कर को हक्कर कर दी। कुकिंग में एक ऐसा समीर भाई थोड़ा वो समीर भाई चाको हां बोलते हैं। हां, जैसे हूत। हां, तो देखते हैं भाई, 10 मिनट की वीडियो है और रॉकिंग ही नहीं, सीधा एंजॉय करेंगे। जो बेस्ट पार्ट लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो भाई के चैनल को पहले हमारा चैनल छोड़ के पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम तो भाई भाई को शुरू से ही देखते आ रहे जब से भाई की ना मैंने कल एक रील लगी थी। भाई बहुत पुरानी है वैसे तो, बट भाई का बहुत पुराना है, बट उसमें बोलते है की जो आप मुझे प्यार करते हो उनको तो बहुत थैंक यू, बट जो नहीं करते आप आगे जाके करोगे। अच्छा, हाँ ये है, इसलिए सबसे मुझे नहीं लगता की कोई बंदा बोल देगा ना कि मैं बीबी की वाइस पसंद नहीं, मैं उसको रख के चाटा मारू भाई। कसम भाई, क्यों नहीं पसंद? क्योंकि भाई हम भाई को शुरू से देखते आ रहे हैं, जब ये वाइस वाइस चली भी नहीं। मेरी नींद उड़ गई है। मेरा हैंड खो गया है, मुर्गा खो गया है, अबे चैन खो गया। और क्या हो रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। तेरी नींद उड़ गई है, तेरा चैन खो गया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियां उड़ रही हैं, फूलों की खुशबू आ रही है। इसका मतलब क्या? तेरा चूतिया कट गया है क्या? प्यार करेंगे? समीर भाई से प्यार की उम्मीद थोड़ी सी वो है, वियर्ड है। यार एक सेक्स वाला बंदा बहन जो जॉनी सिंह जी से मांगते है ना असली, भाई की बीवी की वाइंस की इंडस्ट्री का जॉनी सिंह है भाई। हाँ। वो एज अ करेक्टर तो उन्हें जॉनी सिंह को शादी करते हुए देख लेंगे तो बहन चो मतलब क्या ही हो गया, क्या कट गया है क्या? क्या प्यार करेंगे? प्यार और बकवास है। एक बार भी नहीं हुआ, एक ही चीज चल रही दिमाग में, सिर्फ जिस्म की भूखे बैच। अबे हुआ नहीं, हुआ 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 हुआ। अबे छुआ कह रहा है, मैंने आज तक उसको टह नहीं किया। यही कंफ्यूजन उसके साथ नहीं होता, वो मुझे समझती है। मेरी बातों को समझती है। ये दोस्त क्या होता है कि सच बातेगा, अगर किसी को सच्चा प्यार हो जाए उसके दोस्त मानेंगे। लोग मजाक उड़ाते हैं, दोस्तों गांड मारते हैं भाई, तो सच्चे दोस्तों का गांड मारेंगे। मेरी बातों को समझती है। ही क्या समाज है, प्यार को खेल समझ के रखा है। मेरे को खेलना होगा तो विंडोज पे लूडो ना खेल लू, इंडिया का बेस्ट गेमिंग ऐप है, 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स खेलते हैं। वो मेरी क्वीन बनेगी, इससे अच्छा विंडोज ऐप पे चेस ना खेल लू। प्यार कोई शतरंज नहीं है, इसीलिए इस पे 100 से ज्यादा गेम्स हैं। क्यों खामखा लड़ाई कर रहे हैं? अभी लड़ाई से ज्यादा है, इस पे वर्ल्ड वॉर गेम भी खेल सकते हैं, जहां हारने के बाद भी पैसे जीत सकते हैं। सोची अभी ऐप डाउनलोड कर, 550 का वेलकम बोनस भी है और हर रेफरल पे 50 रुपए। ठीक है, मत दो मेरे पे ध्यान। अबे तू देश की गरीबी है क्या? अच्छा चल, उसका नाम तो बता। रातें जो बची है वो सारी तेरी, मुझे तो तेरे दिल चाहिए। पक्का भागेगा तो नहीं? मम्मी कसम, जाएगी तो तू ही छोड़ के जाएगी। हमें सच्चा प्यार हो गया और ये मजे ले रही है। इसे खेलना है ना, खेलते हैं। देख 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 कैसे शर्मा रहा है। उसका नाम नहीं ले सकता। क्यों? वोल्डे वोल्डे मैच बता, नफर लग जाएगी उसको। अबे तेरी नजर पड़ गई है उस पे, और क्या बुरा हुआ उसके साथ? यार तुम लोग समझ नहीं रहे,
उसको देखते ही अपने होश खो देता हूँ। क्लोरोफॉर्म थूकती है क्या मैच? वो मुझे हर जगह दिखती है। उर्फी जावेद का भी ऐसा ही सीन है। अरे रुक ना यार, तू चुप भाई। हम लोग इसलिए हैरान है क्योंकि फ्रैंकली हमें तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। क्यों? मुझे प्यार करने का हक नहीं है? इसके प्यार का मतलब फक नहीं है? मैं इसके रैपटा मार दूंगा। अच्छा अपनी बोल, गलत बात है। गलत देख, हां भी मत देख, लगा ले हां भी मत देख दोस्त, मैं इसके रैपटा मार दूंगा। अच्छा अपनी बोल, प्रॉमिस प्रॉमिस। गलत बात है। He has a soft corner for her and a very hard center man. Gaddari ko rupe khatam, gaddari ko rupe par pehli ko ye chup karo yaar, tu naam bata। Fahmir Fuddi। Abe apna nahi, uska naam bata। Who? Ladki ka naam। Who? Abe ladki ka naam, teri bandi। Chup matlab chup। God, who? The girl you're talking about, what's her name? Angrezi ka choda। Abe motherboard, us ladki ka naam hai who। Oh, chup ye who nahi, normal who। Who? Who? हाँ, H U। Who? दो लेटर का नाम है। H U। सच में? गाड़ी में रखा कुत्ता बना दिया है। इतनी मोटी हो रहा है। और निकनेम क्या है? क्या? अच्छा ब्रश करने से पहले गलती से नाम मत ले लियो उसका। अच्छा वो सब छोड़। करती क्या है? होर है। होर है? ओए, तमीज से बात कर ले, लड़की के बारे में ऐसे बात कर रहा है? अबे मेरे दिल की होर है। चोर। वैसे वो पहले ट्रैवल एजेंसी में थी। वो मेरा जापान का वीजा लगा देगी। तूने वो खबर नहीं पढ़ी? कौन सी? जापान में भड़वे अलाउड नहीं है। बताना कहाँ मिली? मिलना क्या है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। तूने तो बोला था ऊपर वाले अंकल ब्लाउज बनाते हैं। अबे बैल बुद्धि, वो दर्जी है, उसकी बात नहीं कर। तू क्यों बीच में घुस रहा है? सबसे ज्यादा केक और चूतिया कटवाने का एक्सपीरियंस मेरा है बेंचो। मैं तेरे को बता रहा हूँ, नया नया प्यार है, कुत्ता बीमार है। लड़की को बताने की हिम्मत होनी नहीं इसकी बेंचो। रोज रात को मेरे घर पे पड़ा, कल रात को नींद में गालियां मकरा था मुझे। तुझे गलत फहमी है। कैसी गलत फहमी? कि मैं नींद में था। मेरे वाईफाई से उससे बतियाता रहता है, हर 10 मिनट में घर पे कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे। मेरे पैसे दे। भाई दोस्ती में पैसे कौन गिनता है यार, उसका घर बस रहा है। तो बसाए ना बैंचो, पर सरिया मेरे पिछवाड़े में से ना निकाले। लाख फंड्स दे। उफ़े मिलता जुलता फब्द है, लेगा? साला अपने ही घर में कोहली और गंभीर है। उस दिन मैं एक डेट पे था तो बंदी ने बोला बेबी घर चलो वाइन पीते हैं। मैं समझ गया कि आज थोड़ा चीनी ही होने वाला है, तो मैंने इसको टेक्स्ट किया कि भाई 10 मिनट में फटाफट मेरे शहजादे के लिए शेरवानी लेके आ जा। तो कह रहा नुन्नू लैमिनेट करवा ले। मैं 10 मिनट में शेरवानी देने आऊं? क्या हूं मैं, ब्लिंकिट? अच्छा यार छोड़ो ना ये सब, तू बता ना लड़की मिली कहां? मार्केट में अंडे दे रही थी। अंडे दे रही थी? मुर्गी है क्या? भोफड़ी वाला दुकानदार को अंडे वापस दे रही थी, उसने गलती से फाक की जगह 9 अंडे दे दिए थे तो वो लौटा रही थी। छान मुर्गी, छान मुर्गी आ है। पता है उसके घर का नलका खराब हो गया था और कोई प्लम्बर भी नहीं था तो मैंने ठीक किया। उसके बेडरूम का बल्ब फूक गया था और कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं था तो मैंने ठीक किया। उसकी डाइनिंग टेबल की लकड़ी खराब हो गई थी और कोई कारपेंटर भी नहीं था तो तूने ठीक किया। तुझे कैसे पता? चुतिया गया यार, ऐसा लगता है एक और जॉनी सिंच साला कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए तुझे कैसे नहीं था तो तूने ठीक किया। तुझे कैसे पता? चुतिया गया यार, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने खुद उसको अपने हाथों से बनाया है। हाँ हमारा तो प्रिंट आउट निकला था बैच ने। उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया? गाना गाया ना, It's been a long day without you, my who, and I'll tell you all about it जब दोबारा मिलूं। चार्ली बूट, चार्ली बूट, मार्ली चूत। मैंने उसके लिए एक फायरी भी लिखी है, सुनाऊं? हाँ मतलब वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। वो जो सितारे तोड़ने की बातें हैं सब झूठी हैं, कोई वहां तक जा ही नहीं सकता। तू मेरे साथ नॉर्थ कोरिया में रहे, कोई वहां तक आ ही नहीं। तेरे हाथ और तेरे मुंह, बोलो बोलो, तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा। तेरे हाथ और तेरे मुंह दोनों में दे दूंगा अपना दिल, क्योंकि तेरे बिना ये जीवन जिया जा ही नहीं सकता। सही है, थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंट है। छोड़ उसने क्या बोला, डिफरेंट अभी है। उसको सुनाया कहाँ? आज जब होटल जाएंगे तब सुनाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं, होटल? कितना टाइम हो गया? 3:30। अबे तुम दोनों को आपस में कितना टाइम हो गया? ओ 8 दिन। 8 दिन में सीधा होटल? प्यार में अगर हो जाए अति तो फिर क्यों देखें गति। Oh, yeah.
अरे तुम तीनों इधर हो? नहीं अंकल, हम तो नेपाल में हैं। आप लोग जैसे कैसे कर रहे हो? गलती अरे तुम तीनों इधर हो? नहीं अंकल, हम तो नेपाल में हैं। आप कहाँ? मैं दिल्ली में। अरे क्या दिल्ली में, वो भी दिल्ली में, तू क्यों मजे ले रहा है? पापा समीर को वो हो गया है। इस उम्र में? अंकल यही तो उम्र है, मेरे चाचा जी को तो 65 साल में जाके हुआ था। 65? हाँ, डॉक्टर को दिखा दे जल्दी। डॉक्टर? क्यों? अरे बवासीर का इलाज डॉक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? कारपेंटर? बवासीर? क्या? बुढ़ापे में घुटने और चूतड़ दोनों बोलने लगते हैं बेटा। पापा उसको प्यार हुआ है। हाँ। ओह वाओ। आई कांट बिलीव। मुबारक हो बेटा, एक आदमी को और क्या चाहिए जिंदगी में? कि दिल की बंजर जमीन पर एक फूल खिल जाए। और दो टाइम हिलाने की जगह मिल जाए। पापा आपको कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहने आई हैं। बहुत भली है बेचारी, तो उनको इधर की चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके लिए एक गैस सिलेंडर बुक कर दे फटाफट। समीर बेटा, तू ये आंटी जी को उस दिन मार्केट से घर छोड़ाया था? हाँ अंकल। अंडे रखवा दिए थे फ्रिज में अच्छे से? हाँ जी। वो नल का टेबल और बल्ब ठीक करवा दिया था? हाँ जी। अंकल ये आंटी जी की उम्र क्या होगी? ऐसे औरतों की उम्र नहीं पूछते। खैर मैंने पूछी तो उन्होंने 56 बताई। अभी अभी रिटायर हुई है ट्रैवल एजेंसी से। अब सोच रहा हूँ सारी तत्काल की ट्रेन की टिकटें उन्हीं से करवाऊंगा। उनका नाम क्या है पापा? उनका नाम नाम क्या था? हेलो। हाँ हूँ। अरे बंदर हो क्या? क्या हुआ? पर आज तो हम होटल जाने वाले थे ना तुम्हारे मैनिक्योर के लिए। चीनी वाली मम्मी बेंच। शुगर मम्मी। हाँ बाबा, मैंने वो घुटने का तेल बेड के बगल में रख दिया है। हाँ जी। दांत वो बेफिन के ऊपर देखो। हाँ मैंने फाफ करके रख दी ऑलरेडी। ओके अभी वो निकल गया। 56 साल की लड़की, लड़की भी क्या, आंटी है वो। तू 56 साल की आंटी के साथ प्यार में? तो क्या, वन वे ट्रैफिक है और तूने गैप देखा है? बोला तो आज होटल में मिल रहे हैं। तो क्या, वन वे ट्रैफिक है और तूने गैप देखा है? बोला तो आज होटल में मिल रहे हैं। अबे एज गैप, अबे 30 साल का गैप है बेंचो। ऐसा क्या पसंद आ गया उनमें? उनकी क्या गुल्फे हैं भाई, वो मिल्फे हैं। तू उनके सारे काम कर रहा है इसलिए वो तुझसे प्यार से बात कर रही है। उनको तो पता ही नहीं है कि तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी उनके घर आटा देने जाना है। तू उनसे आशीर्वाद ले और निकल। आशीर्वाद नहीं, वो दिनेश का आटा खाती है। बेंचो दिनेश कौन है? ए तू गप बस ना यार, तू ये सब रहने दे भाई, अपने उम्र की कोई आंटी लड़की ढूंढ। पर मैं उसका मितवा हूँ। तू उसका बिटवा है। आप बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, ये हु आंटी जी का कॉल है, इनके लिए फटाफट एक रोमांटिक डिनर बुक कर दे। इनके पति आ रहे लंदन से। पति? डन पापा डन 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 डन। साले तेरे को पता नहीं था आंटी मैरिड है? नहीं, वो हमेशा कहती थी कि मर्द झाटू होते हैं, तो इसको लगा आंटी जी सिंगल हैं और अगर मैं दूसरे मर्दों की तरह बिहेव नहीं करूंगा तो आंटी जी सिंगल से मिंगल हो जाएगी। हाँ यही था, यही था। एक अच्छी भली औरत का संसार उजाड़ने वाला था तू। अच्छा बेटा, तीन लोग के हिसाब से बुक करियो, इनकी बेटी भी आ रही है। बेटी 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 बेटी। अरे वाह बेटा, चार लोग के हिसाब से बुक कर रही हूँ, इनकी दोनों बेटी आ रही हैं। दो बेटी, दो बेटी, दो बेटी, दो बेटी, दो बेटी, दो बेटी। वाह, पूरा फैमिली डिनर बुक कर दे बेटा, दोनों बेटियों के बच्चे भी आ रहे हैं। डन पापा, ऑलरेडी बुक। जिसको समझ रहे थे कोयल वो तोते निकले, ना जाने क्यों दिल लगाया उससे जिसके दो पोते निकले। अमेजिंग वर्क यार, अमेजिंग वर्क। हमेशा भाई कभी भी ना डिसअपॉइंटेड नहीं करते भाई। डिसअपॉइंट नहीं करते, बिल्कुल मजा आ गया। बाकी देखते हैं क्या सीन है। क्या मैं आ गया, आपको बताना कमेंट आप करके आपको कैसे लगी। आप बता देना, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जाके भाई के चैनल पे वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर हमारे चैनल पे दोबारा आना, दोबारा सब्सक्राइब करना और 3000 सब्सक्राइबर करवा के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।